जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रीवा से खबर आ रही है। आपको बता दें, एसपी का ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी तैयारी चल रही है, जिसका निरीक्षण करने कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने नई गढ़ी का भ्रमण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण नामांकन पत्र दाखिल करने के संबंध में निर्देश दिए। इसके अलावा स्ट्रांग रूम और सामग्री वितरण व्यवस्था का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हरि प्रसांग सिंह, रीवा, जगत न्यूज 24। लोगों ने विभिन्न जनपद पंचायतों का भ्रमण किया है और नाम निर्देशन पत्र के लिए अब केवल सोमवार का दिन शेष है, तो इसलिए काफ़ी लोगों की भीड़ भी है, काफ़ी संख्या में नॉमिनेशन भी आ रहे हैं। उससे रिलेटेड जो आदेय प्रमाण पत्र के इश्यूज हैं उसको भी स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है ताकि किसी को नॉमिनेशन भरने में कोई तकलीफ नहीं आए। हमने जिन नॉमिनेशन सेंटर्स का निरीक्षण किया वो वहाँ लोगों से हमने बात भी की और उन सभी ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि जो निर्वाचन नाम निर्देशन पत्र भरने की प्रक्रिया है या उससे संबंधित जो आदेय प्रमाण पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया है वो सब चीज़ें स्मूथ है और कहीं कोई तकलीफ नहीं है। सोमवार का दिन और शेष है और हम ये चाहेंगे कि लोग नाम निर्देशन पत्र अपना पूरी तैयारी के साथ और सभी पेपर लगाकर यहाँ जमा करें ताकि स्क्रूटनी के समय किसी का भी नाम निर्देशन पत्र निरस्त करने की स्थिति नहीं बने। ये हमने निर्देश यहाँ ऑफिसर्स को दिया है कि वो जब नाम निर्देशन पत्र प्राप्त कर रहे हैं तो सभी पेपर्स की सावधानी से जांच कर लें और उन्हें इस बात में मदद भी करें कि किसी भी तरह की छोटी मोटी कमी है तो उसको उसी समय पूरा करा दिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छा एटमोसफेयर है, बहुत ही शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से चुनाव होगा। हमने अपने ऑफिसर्स को भी ये निर्देश दिए हैं कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए और ऐसा दिखना भी चाहिए।